हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले फैम पे एप्लीकेशन में आप जैसे ही पैन कार्ड वेरिफिकेशन करने जा रहे हो तो आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। तो इस पर मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ और आपको करना क्या है वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद अपना फैम पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करते हो आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरह का पेज। तो यहाँ पे देखो आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन में चले जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो एडिट योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे अपना योर बर्थडे डेट यहाँ पर आपको देख लेना है। ये बर्थ डेट आपको अपना जो पैन कार्ड आप डाल रहे हो, आधार कार्ड डाल रहे हो, उनसे कंपेयर कर लेना। अगर बर्थ डेट सेम होगी तो ही पैन कार्ड वेरिफिकेशन होगा और दो प्रॉब्लम के वजह से अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अगर आप टीनेजर्स हो और आप 17 ईयर के अंदर हो तो आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड यूज कर सकते हो, आधार कार्ड यूज कर सकते हो। और अगर आप अडल्ट हो, 18 प्लस हो, 90 हो तो आपको अपना ही पैन कार्ड लगेगा। अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड डालने जाओगे तो अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, तो आपको अपना ही पैन कार्ड ऐड करना है। अगर अपना फैम पे एप्लीकेशन बर्थ डेट अलग है, 70 प्लस के अंदर वाला बर्थ डेट डाला है फैम पे एप्लीकेशन में और आपका 18 प्लस 90 प्लस है, तभी भी कोई बात नहीं, आप अपना पेरेंट्स का पैन कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अडल्ट हो, यहाँ पे फैम पे एप्लीकेशन में भी बर्थ डेट 2001-2002, आप 18 प्लस हो तो अपना जो पैन कार्ड है वो अपना ही लगेगा, अपने पेरेंट्स का नहीं लगेगा। पेरेंट्स का डालोगे तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। और अगर आप टीनेजर्स हो तो आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैन कार्ड वेरिफिकेशन में। तो इस सॉल्यूशन से आप पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो।